घंटा घर है उसका भी भगवान महावीर क्लॉक टावर नाम है। सिविल हॉस्पिटल का नाम भगवान महावीर सिविल हॉस्पिटल है। आपके लिए लाइफ टर्निंग पॉइंट क्या था? एक साधारण जीवन को असाधारण बनाना ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए लगता है कड़ा परिश्रम, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प। जो इस राह पर चलने लगता है उसको प्रभु की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद बखूबी मिल जाता है। तो ऐसे ही एक शख्स की परिचय आज आपके साथ करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो और कोई नहीं, श्री हीरालाल जैन जी हैं, जिन्होंने समाज के अंदर बहुत ही बहुमूल्य कार्य किए हैं। आज भी उन कार्यों की भरपूर प्रशंसा की जाती है और आज भी वो कार्य इतने ही ज़्यादा बिल्डेड हैं कि आज भी वो कार्य अपने आप में एक मिसाल है। आज श्री हीरालाल जी हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके बेटे जो उनके ही सिखाए गए राह पे, उनके ही नक्शे कदम पर आज बखूबी चल रहे हैं और समाज के अंदर उन्हीं की तरह से मोटिवेटेड हैं और कार्य आज भी कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम श्री हीरालाल जी के पूरा जीवन परिचय जानना चाहेंगे। चला जाऊंगा जब मैं छोड़कर इस आशियाने को, वफाएं याद तब आएंगी मेरी इस जमाने। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय जिनेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी खास करके जो आपने एक ये नया एपिसोड शुरू किया है जैन आउटलुक में, क्योंकि इससे हमारे आने वाले यूथ को और हमारे समाज को क्या राह मिले, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसमें बहुत आगे बढ़ें, सक्सेस हो और हम समाज को एक नई दिशा दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम आपके पिताजी श्री हीरालाल जी की चंद कुछ जो गहराइयां हैं, डीप बातें हैं, वो जानना चाहेंगे। उनका जीवन तो अपने आप में एक बहुत बेमिसाल जीवन है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य के समाज में, आज भी वो कार्य एक मिसाल बनकर कायम है। तो सर, समाज में इतने ज़्यादा कार्य करना, ये पूरा सिलसिला जो है ये कब और कैसे शुरू हुआ? ये पिताजी का जन्म 1937 में सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, हुआ। तो एक बहुत हमारा बड़ा परिवार था और वहाँ पे हमारा जो कारोबार दरियों का काम था, बहुत बड़ा काम था। हालात कुछ ऐसे हुए कि 47 में पार्टीशन के बाद वहाँ सब कुछ छोड़कर हमें जो अब हिंदुस्तान इंडिया है इसमें आना पड़ा। तो वहाँ जो भी था सब कुछ रह गया और यहाँ आकर छोटी उम्र में एक नई जिंदगी की शुरुआत उन्होंने की। पाकिस्तान से आकर सबसे पहले कुछ देर मेरठ में ठहरे, उसके बाद लुधियाना आकर यहाँ पे चारा श्री आत्माराम जी महाराज की कृपा से यहाँ पर सेटल हुए। तो शुरू से ही बहुत से उन्होंने काम छोटी उम्र में ही, चाहे वो कहीं पे सर्विस भी की, कोई एजेंटी का काम भी किया, बिजनेस भी किए, पर आचार्य श्री जी की कृपा उन पे इतनी रही कि आखिरकार उन्होंने ज़मीनों का काम शुरू किया जी। और आचार्य श्री आत्माराम जी के जब देवलोक हुआ उस समय उन्होंने मन में एक बात ठानी, मैं अपने गुरु के नाम पे कोई ऐसा काम करूं ताकि उनका जो नाम है हमेशा सदियों तक वो रहे, ताकि उनके जब तक नाम रहेगा उनके दिखाए रास्तों पे भी लोग चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो एक संकल्प उन्होंने लिया कि मैं अपने गुरु के नाम पे एक नगर बनाऊंगा, नगर बसाऊंगा। तो वो नगर बनाया आत्म नगर, जो चारे श्री आत्माराम जी महाराज के नाम से वो बना। और
उसके बाद जिस समय छोटी उम्र में जब अक्सर दर्शन करने महाराज जी के पास जाते थे, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारे परिवार की इतनी अच्छी नहीं थी, तो जाकर अक्सर ये कहते महाराज जी आप किसी को आप आशीर्वाद देते हो, तुम्हारा कारोबार अच्छा हो या किसी को कुछ और आशीर्वाद देते हो, मेरे को आप सिर्फ यही कहते हो कि हजारों का आप भला करो, अनंतों का भला करो। तो एक दिन महाराज जी ने कहा, कहते अनंतों का भला तो तभी कर पाओगे जब तुम बहुत समृद्ध हो जाओगे। तो इस छोटी सी जो महापुरुषों के ये छोटी छोटी बातों में ही एक जैसे ना गागर में सागर जी वो चीज थी। तो इसी तरह सिलसिला आगे चलता रहा, फिर आत्मनगर बना और अपने गुरु जी के नाम पर आत्म पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो बना। उसके अंतर्गत 6 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये फिर पॉलिटिकल लिंक भी बहुत रहे, किसी पॉलिटिक्स में नहीं गए, पर कोई भी सरकार आई तो उन्होंने अपने समाज के लिए उन सभी सरकारों से कि समाज का कैसे हमें फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो वो लिया। सर, पिताजी के जाने के बाद आपका जो समय है अब तक कैसे बीता, क्या क्या आपके जीवन में तब्दीली आई उनके जाने के बाद? कि एक सिर से जब कोई भी साया उठ जाता है तो उससे बड़ा और कष्ट नहीं होता हमें। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो थे हम आजाद थे, चाहे उम्र कितनी भी होगी हो हमें कोई चिंता नहीं थी। उनके जाने के बाद जो एक जिम्मेवारियां होती हैं, चाहे वो सामाजिक चाहे वो पारिवारिक, उस सभी का ये ध्यान रखना था कि जिस तरह उन्होंने अपने जीवन में सब परिवार का समाज का किया, ठीक है हम उतना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, पर जितना हो सके उसको मेंटेन करके रखें। जो उनका नाम है, जो उन्होंने की बगिया है, जो उन्होंने इतने बनाई है, उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, बस यही एक लक्ष्य लेके मैं चला। और इसी कारण उन्हीं के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से, उनके आशीर्वाद से जहाँ भी गए हैं तो हमेशा वहाँ से हमें प्यार ही मिला है। तो पिताजी जब सर थे तो सामाजिक कार्य वो करते थे, तो आपके मन में भी छोटे होते से ही वही भावना आ गई थी उनके साथ साथ आप भी कार्य करते थे, या उनके जाने के बाद ये तब्दीली आई आपको? नहीं, मैं छोटा बचपन से, देखिए जैसे घर के बड़े होते हैं संस्कार तो वही मिलते हैं जी, तो हमने बचपन से ही जहाँ तक अपना कारोबार का काम था वो तो था, पर साथ साथ डैडी को हमेशा ही सेवा के कार्य में, खासकर अपने समाज के सेवा के कार्य में देखा। तो वही जो एक उनका आशीर्वाद था बचपन से ही रहा। मैं जब यहाँ पे महावीर जैन युवक संघ सिविल लाइन्स में है, उसकी शुरुआत भी मैं उसका वन ऑफ द फाउंडर हूँ। तो असल शुरुआत यहाँ से हुई थी आपकी? पहले ही गुरु महाराज के चरणों में आना जाना तो रहता ही था जी, तो उससे फिर एक नई और शुरुआत हुई, उससे चलते चलते आगे, क्योंकि सभी सामाजिक लिंक जो पिताजी के थे सबकी तरफ से हमें प्यार मिलना, सबका एक साथ मिलना, तो इस सिलसिला आगे बढ़ता गया। एक माहौल बन जाता है पूरे घर परिवार में कि आ रहे हैं गुरुदेव के पास जाना, तो पहले ही मतलब कि यानी कि आप इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। बिल्कुल, बचपन से ही ये चीजें हमें ये विरासत में मिली, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमें विरासत में जो ये आशीर्वाद मिला शायद बहुत कम लोगों को ये नसीब होगा। तो यानी कि आपने छोटे होते से ही उनके साथ मतलब सामाजिक कार्य में आप इन्वॉल्व हो गए थे, तो कुछ सर मैं कुछ जानना चाहूँगा, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको देखकर आपने एनालाइज किया कि नहीं आई एम गोइंग राइट, मेरे को भी सामाजिक कार्य करने हैं, जिस तरह से पिताजी आपके तत्पर थे बिल्कुल आगे समाज के लिए, अगर कोई भी कार्य है तो बगैर सोचे समझे घड़ी देखे तात्पर्य रहना, बिल्कुल आगे रहना, तो आपका ऐसा कोई इंसिडेंट मैं जानना चाहूँगा। पिताजी ने कभी भी अपने पद के लिए या
अपने किसी भी स्वार्थ के लिए समाज का कोई कार्य नहीं किया। चाहे चाहे चारों संप्रदाय में से कोई भी आया समाज के कार्य के लिए जी, वो हमेशा आधी रात को भी उसके साथ खड़े हुए और वो काम करवाया, क्योंकि पॉलिटिकल लिंक तो थे ही बिल्कुल। क्योंकि आज के दिन में कोई भी काम अगर हो विदाउट, जब तक सरकार में आपका ना पैंट हो तो वो काम नहीं हो सकते। तो उस कारण ये बहुत बड़ी एक उनके ऊपर आशीर्वाद था कि सर्व उनकी इज्जत करते थे और जो भी उन्होंने कभी कहा वो काम हुआ। तो यही जो थी मन में भावना कि हम निस्वार्थ होकर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। सर इतना सब करना, इतने कार्य करने समाज के लिए, समय निकालना, देखो अगर इतने इतने बड़े बड़े, जिस तरह से आपने बताया कि एक आतमनगर के वो फाउंडर हैं, काफ़ी स्कूल उन्होंने, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी समय जाता होगा। पर्सनल लाइफ में से भी काफ़ी समय जाता होगा, ऑफ कोर्स सामाजिक लाइफ, बिजनेस लाइफ भी इफेक्ट होती होगी। तो कैसा उनका जो जीवन का ढंग था, शेड्यूल था, वो किस तरह से मैनेज था, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है जो मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से वो चीज़ें मैनेज करते थे। कहते कि कोई भी कार्य करना हो तो उसके पीछे मातृशक्ति का बहुत बड़ा हाथ होता है। 66 में मेरे दादाजी की डेथ के बाद सारे परिवार को, जो मेरे 5 बुआ जी हैं और डैडी जी 2 ब्रदर, सबको संभाला। चाहे 3 बुआ जी बड़े भी थे उनसे, पर उन्होंने एज ए फादर ही उनको भी दादे के जन्म बाद उनको वैसा ही ट्रीट किया। और दूसरी बात, मेरे माता श्री श्रीमती जिनेंद्र जैन, उनका बहुत बड़ा इसके पीछे रोल था कि परिवार को कैसे चलाना है, सबको कैसे बांध के रखना है, वो उनका बहुत बड़ा रोल था कि परिवार की तरफ से वो कैसे, देखिए सब आते हैं, कोई फंक्शंस भी आते हैं परिवार में, सब कुछ है, सबको कैसे मैनेज करना, तो वो मेरे मदर सब उनको मैनेज करते थे। और पिताजी को लिए फ्री हैंड था कि आप समाज के लिए और किसी के लिए कुछ भी अगर कर सको तो करेंगे। यानी कि सबसे बड़ा सपोर्टिंग जो हैंड था वो आपके माताजी का था। बिल्कुल, जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया तो वो आगे आगे होकर कार्य कर रहे थे। सर भगवान महावीर जी के 2500 निर्वाण वर्ष में पंजाब का एक बहुमूल्य योगदान रहा। अब पंजाब के अंदर आपके परिवार का जो योगदान था वो भी बहुत मूल्य था, ये मुझे ज्ञात है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि किस तरह से योगदान आपका इस महान कार्य में था। ये जिस समय ये आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं, इस समय भगवान महावीर का 2550 निर्वाण वर्ष जी बिल्कुल चल रहा है। और आज से 50 वर्ष पूर्व 74 में भगवान महावीर का 2500 निर्वाण वर्ष था। तो उस समय पंजाब में लॉर्ड महावीरा फाउंडेशन स्थापित हुई, उसके जनरल सेक्रेटरी पिताजी थे और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो उस समय के चीफ मिनिस्टर ज्ञानी दयाल सिंह जी थे। तो कोई भी पंजाब का ऐसा क्षेत्र, चाहे छोटा गांव है चाहे शहर है, ऐसा अछूता नहीं रहा जहां पे भगवान महावीर के उस निर्वाण वर्ष पे कुछ ना कुछ कार्य ना हुआ हो। हर जगह, चाहे जलंधर है, लुधियाना है, सड़कों के नाम भी, यहां फिरोजपुर रोड का भी नाम भगवान महावीर मार्ग था जी। आज लोगों को ये याद नहीं है, तो कई बार सरकार को बोला भी है कि इसको दोबारा से करो। तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल का नाम भगवान महावीर सिविल हॉस्पिटल है लुधियाना के, घंटाघर है उसका भी भगवान महावीर क्लॉक टावर नाम है। ये सभी कार्य 2500 जिसमें निर्वाण वर्ष था उस समय हुए। ये चीज़ें आज के यूथ को, तो आज की जितनी जनरेशन, ये शायद 50 साल पूर्व जो लोग होंगे उनको पता होगा, ये शायद ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी कि घंटाघर को भी लॉर्ड महावीर से डिनोट किया गया है, सिविल हॉस्पिटल को भी। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानना चाहूंगा। आज वहां पे देखिए लिखा हुआ है भगवान महावीर सिविल हॉस्पिटल, घंटाघर पे भी लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था, ये किस तरह से ये हुआ था? ये ऐसे जिसमें 2500 निर्वाण था, भी वर्ष था, तो ज्ञानी दयाल सिंह जी जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय
जी तो उनको ये डिमांड रखी गई कि इस बार भगवान महावीर के निर्वाण वर्ष पे हम भगवान महावीर के जो उपदेशों को याद करते हुए जब तक उनका नाम जगह जगह नहीं फैलेगा तो हम उनके उपदेशों को याद नहीं रख पाएंगे। तो तब ये कार्य हुआ तो सब लुधियाना नहीं खाली पंजाब के अन्य शहरों में भी ऐसे नाम रखे गए। अच्छा जी, पंजाब के अन्य शहरों में भी जंदर भी महावीर मार्ग है वो भी उसी समय ही रखा गया। लेकिन वो महावीर मार्ग आज भी महावीर मार्ग से ही नाम ही। लेकिन जो यहाँ के हैं वो यहाँ फिरोजपुर रोड का नाम मेरे पास आज भी जब उसका नींव पत्थर रखा था उस समय PWD मिनिस्टर थे जोगिंदर पाल जी पांडे, उन्होंने रखा था, मेरे पास फोटोग्राफ साथ भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी फोटोग्राफ देखी तो हम दर्शकों को भी अपने स्क्रीन पे बिल्कुल दिखाएंगे। बाकी जहाँ तक परिवार का, उस समय हमारे घर में बहुत आना जाना सबका था, बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी पंजाब क्या हिंदुस्तान सारे से यहाँ पे लोग आते थे। चाहे कोई रात को 10 बजे आया कोई 12 बजे आया, मैंने अपने मदर के माथे पे कभी भी शिकन नहीं देखी, चाहे उनको रात को 20 लोगों का भी खाना बनाना पड़ा या वो रहे, तो ये सपोर्ट सबसे बड़ी थी। बहुत बड़ी बात कही सर आपने। आज की डेट में अगर हमारे घर में 2 से ज़्यादा मेहमान आ जाते तो हमारे माथे पर ना शिकंजा आ जाता है कि यार क्यों आ गए हम, हमारी जो पर्सनल स्पेस है वो इफेक्ट हो जाती है। लेकिन आपकी माता जी ने आपने बताया कि बिल्कुल भी शिकंजा नहीं था, तो ये आज के यूथ के लिए मेरे हिसाब से बहुत इंस्पायरिंग बात है कि बहुत सीखने वाली बात। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आपने अभी एक बात कही स्पेस की जी, आज के दिन में हर किसी भी यूथ से पूछ लो वो कहते हैं हमें अपनी स्पेस चाहिए जी, बिल्कुल हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पर मेरे को नहीं ये समझ आता कि वो स्पेस किसको कहते हैं। क्या फैमिली में रहना स्पेस नहीं? हम कहते हैं जी इंडिविजुअलिटी, अलग रहेंगे। जिसमें आप कहीं काम करते हो, किसी कॉर्पोरेट में काम करते हो तो वहाँ पे टीम वर्क है, तो वहाँ पे इंडिविजुअलिटी कहाँ जाती है? हम उस टीम के साथ तो रहना पसंद करते हैं, उसके साथ काम करना पसंद करते हैं, पर अपने घर में जो अपनी टीम है अपना परिवार है उससे हम दूरी चाहते हैं। बिल्कुल, इसलिए हम देखते हैं कि कितने लोग बाहर जाना चाह रहे हैं अपने परिवार को छोड़ के, बिल्कुल ही यूज़लेस। दूसरी बहुत बड़ी हमारे ये कल्चर की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो ओल्ड एज होम बन रहे हैं, ठीक है कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके और कोई भी सहारा नहीं है तो उनके लिए ठीक है, पर जिनके बच्चे हैं वो भी ओल्ड एज होम में जाएं तो इससे ज्यादा बदकिस्मती हमारे कल्चर की नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात, ये तो हमारे यूथ को समझना चाहिए कि ठीक है पैसा बहुत कुछ है सब कुछ नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, तो उस प्रायोरिटीज में हम अपने माता पिता को ना भूलें। अक्सर पिताजी एक बात कहते थे कि हम भगवान को कहते हैं कि तू ही सब कुछ है, तू ही हमारा जन्मदाता है, तू ही सब कुछ है, पर कभी किसी ने उसको देखा नहीं। बिल्कुल, पर एक माँ बाप ऐसे हैं, माँ ऐसी है कि जिसकी कोख से हमने जन्म लिया साक्षात हमारे तो भगवान जन्मदाता वो है, तो हम अगर उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो हम भगवान की भी इज्जत नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू कहा था। तो मैं अब भी ये देख वीडियो देख रहे सभी दर्शकों को कहूँगा कि माँ बाप की इज्जत सबसे ज़्यादा प्राइम आपका कर्तव्य है, सबसे ज़्यादा प्राइम। भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ, जैसे सर ने बताया बिल्कुल, अगर आप अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर सकते तो आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, किसी भी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल से अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखें। तो सर बहुत ही अच्छा ये आपने बताया, वाकई आपके पिताजी ने भी बहुत इसको अच्छा बताया। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन में ही आपने देखा कि पिताजी आपके इतने अग्रसर सभी कार्य के अंदर, तो कभी आपके मन में ख्याल आया कि यार पिताजी क्यों कर रहे हो आप ये सब, क्या ज़रूरत है हमें इतना अपना आगे रहने, हमारे पास एक बिजनेस लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, एक लग्जरी लाइफ के अंदर जैसे आज की यूथ को कि भी हमें लग्जूरियस जीना है, समाज कर रहा है जो करने दो, हमें क्या लेना देना, ना कुछ हमें करना। उस समय आपका क्या थॉट होता था सर, बीइंग अ यूथ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कभी हमारे मन में भी आता था कि इधर इतना समय दे रहे हैं क्यों नहीं हम बिजनेस को और बढ़ाएं, सब करें,
परंतु जब कभी कोई ज़रूरतमंद जिसका उन्होंने काम किया होता था उसकी बात सुनते थे, वो जितनी दुआएं देता था, तो उन दुआओं के आगे ये सब बाकी चीज़ें फीकी पड़ जाती थी कि अगर किसी का हम जिंदगी में काम आ सकें। हमें भी पिताजी यही कहते थे, कहते काम उतना करो जितनी आपको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा अगर आप करना है, अगर किसी के काम आ सकते हो तो आप आओ, अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मॉनेटरी हेल्प ही सब कुछ है, अगर वैसे ही अगर आप किसी के साथ जाके अगर खड़े हो जाओ, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाओ, वो भी बहुत बड़ी हेल्प है। अगर किसी के भी आप काम आ सको जिससे आपको एक सुख की सांस मिले, तो वो आप करो। और पिताजी के हाथों अनेकों संस्थाएं बनी, जो मैंने पहले स्कूल कहा ये तो थोड़ी सी मात्र दो तीन मैंने आपको गिनाई, वो देवकी देवी जैन कॉलेज के भी चेयरमैन रहे, फिर ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस में जनरल पहले यूथ के वो प्रेसिडेंट रहे, फिर जनरल सेक्रेटरी रहे, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर प्रमुख मार्गदर्शक भी रहे। थोड़ा मतलब सर मैं आपकी बातों से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको काट रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपकी ही ये बातों में दिलचस्पी आने के बाद ना मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है आपके पिताजी का, मैं वो जानना चाहता हूँ कि किस तरह से पॉलिटिकली इस्टेब्लिश थे, पॉलिटिकल लिंक कैसे थे, और जाहिर सी बात है कि उस समय में इतना पॉलिटिकल स्टेबल होना, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऑफर भी होगा कि आप लीडरशिप में आ जाओ, तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि क्या पॉलिटिकल रिलेशंस थे। वो कभी भी किसी भी मतलब पॉलिटिकल लिंक्स तो थे पर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से या वो नहीं जुड़े। उनको ऑफर्स भी आई, राज्यसभा के भी ऑफर्स आई, पर उन्होंने उस समय जवाब दे दिया, कहते अगर मैं राज्यसभा में भी मेंबर बन जाता हूँ या कुछ भी, मैं पर्टिकुलर एक पार्टी के साथ मैं जुड़ जाऊँगा तो जो बाकी मेरी समाज है वो मेरे से अलग हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वो ये ऑफर्स भी ठुकरा दी। सर तो सबसे पहले जो एक उनको समाज रत्न की जो उपाधि थी पद से अलंकृत किया, तो हमारी समाज में किसी भी संत ने, किसी आचार्य ने खास करके पहली बार किसी गृहस्थी को किसी पद से अलंकृत किया था, वो 1994 में आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज ने पिताजी को समाज रत्न के पद से अलंकृत किया था, और उससे पहले 75 में उनको युवक सम्राट की उपाधि से अलंकृत हुए, फिर आत्म कोहिनूर की और आत्म दिवाकर की बहुत खूब। तो सर आज एट प्रेजेंट कैसा फील करते हैं आप अपने पिताजी के नाम से ऑफ कोर्स जाने जा रहे हैं, कैसा फील करते हैं आप? मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ, मेरे को जो उनका नाम मिला, जहाँ भी जाते हैं आज भी, चाहे वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके नाम से भी हम पहचाने जाते हैं, और लोग हमें जहाँ भी जाएं आंखों पे बिठाते हैं, उन्हीं के जितनी उन्होंने मेहनत की, जितना उन्होंने सबके लिए किया, तो उसका जो फल आज हम खा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो उस समय में बनाए गए उनके स्कूल कॉलेजेस, जिसमें से एक सुप्रसिद्ध आज की डेट में भी आत्म पब्लिक स्कूल जो कि पंजाब लुधियाना शहर में स्थित है, आत्म देवकी देवी निकेतन कॉलेज है, मेमोरियल कॉलेज है, आज इन सभी एसेट्स का करंट स्टेटस क्या है? ये जितनी भी संस्थाएं हैं जो देवकी देवी जैन कॉलेज के अंडर है, आत्म देवकी निकेतन जी, तो ये समाज की ही सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं, चाहे वो आत्म पब्लिक स्कूल है, ये भी अंडर ट्रस्ट है, और लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये कोई भी हमारी पर्सनली है, वी आर ओनली केयर टेकर। अल्टीमेटली ये सारी उन्होंने समाज के लिए ही बनाई है, समाज को ही अर्पित है जी। तो सर आपके लिए लाइफ टर्निंग पॉइंट क्या था, उनके जीवन परिचय से आपके लिए क्या एक टर्निंग पॉइंट था? टर्निंग पॉइंट तो यही है कि उनके जाने के बाद जो भी उन्होंने आज तक किया है, जो कुछ बनाया है, हम उसको और आगे कैसे लेके जाएं,
तभी हम ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके चरणों में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज करंटली क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। प्रोजेक्ट्स तो स्कूल हैं, आत्म पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आत्म नर्सरी स्कूल चल रहा है, आत्म विद्या मंदिर स्कूल चल रहा है, लॉर्ड महावीरा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है वो चल रहा है। आजकल उन सबको मैं एज ए प्रेजिडेंट देख रहा हूँ। बट हमारे जो ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस है उसका भी जो विश्वस्त मंडल है उसका भी मैं सदस्य हूँ, और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस का मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, महावीर इंटरनेशनल का इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ऐसे कई संस्थाओं से है, श्री जिनेंद्र गुरुकुल पंचकुला उसका ही एग्जीक्यूटिव का मैं मेंबर हूँ। तो ये सभी संस्थाओं के साथ जिस जिस से पिताजी जुड़े थे उन्होंने सभी ने मेरे को अपने साथ जोड़ा, ये सभी उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे कुछ कर पा रहा हूँ। तो सर आज की डेट में हमारी जो जैन कम्युनिटी है कहीं ना कहीं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं या सो कॉल्ड हमें डिक्लेयर कर दिया गया। तो क्या थॉट्स हैं आपके, आप इस असेंबली के मेंबर भी रहे हैं? मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ पंजाब स्टेट नॉर्थ। जी बिल्कुल जी। तो वहाँ पर जब आप रिप्रेजेंट करते हो एक जैन कम्युनिटी को, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए या किस तरह से आप अपने जैन कम्युनिटी को वहाँ पर उभारने के लिए क्या प्रयास किया? पहली बात तो माइनॉरिटी में अक्सर लोग ये समझते हैं कि रिजर्वेशन है, आरक्षण है। जी माइनॉरिटी में आरक्षण नहीं संरक्षण है। माइनॉरिटीज का इसलिए है जहाँ पे कम हमारे लोग हैं वहाँ पे हमें क्या लीगल राइट्स पूरे मिल रहे हैं। पर जैन कम्युनिटी कैसी है, मैं तो जब पीछे विज्ञान भवन में भी कॉन्फ्रेंसेस हुई अटेंड की, वहाँ पे भी जाकर कहा था कि जैन कहीं चार घर भी हैं इस जगह, वहाँ पे आपको दो चीज़ ज़रूर मिलेगी, एक मेडिकल सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज। वो सिर्फ जैन कम्युनिटी के लिए नहीं है, बाकी तो सब कम्युनिटीज कुछ ना कुछ मांगती होंगी, पर ये जो है हम बाकी भी सभी को देते हैं। बिल्कुल दो सेवाएं जैन सब जगह आप देखिए, मेडिकल और एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ कुछ एरियाज हैं पंजाब में तो नहीं इतने, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, कुछ उधर के एरियाज हैं जहाँ पे जो जैन परिवार हैं फाइनेंशली बहुत वीक है, उनके लिए कई सुविधाएं हैं, लोन्स हैं उनके लिए, स्कॉलरशिप्स हैं बच्चों के लिए, ये चीज़ें की फैसिलिटी है। तो ये सरकारी तौर पर ये फैसिलिटीज आप मुहैया करवाने का प्रयास कर रहे हैं या? ये सरकारी तौर पे है, ये सभी फैसिलिटीज हैं ऑनलाइन है। तो आज करंटली हम जो जैन्स हैं जो हमारे परिवार है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है सरकारी तौर पर, क्या वो ये चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं? ये इसमें कुछ भी जो भी है ये कोई ये एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, ऑनलाइन आप फॉर्म भरिए, उनकी जो एक क्राइटेरिया है कुछ एक नॉर्म्स हैं वो आप फुलफिल करिए, तो ये आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी स्कॉलरशिप की। तो ये गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट के ऊपर हमें जाना है या? यस, आप पंजाब स्टेट माइनॉरिटी कमीशन खोल लीजिए या नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की वेबसाइट। तो ये सेंटर के तौर पर ये जो उपलब्धियाँ हैं ये सेंटर के तौर पर है या आपकी स्टेट की तरफ से, अगर हम बात करें कि ये पंजाब में ही लागू है? नहीं नहीं, ऐसे है कि सन 2013 में पंजाब में जैन्स को माइनॉरिटी स्टेटस मिला। जी और उससे पहले माइनॉरिटी स्टेटस नहीं था। बिल्कुल। जबकि सेंटर में 2014 में पास हुआ के बाद हुआ। तो ये जो है स्कीम्स हैं सेंट्रल की स्कीम्स हैं जो स्टेट्स पे भी लागू होती हैं। ओके। फंड जैन सेंटर से आते हैं तो स्टेट्स के आगे लागू करते हैं। तो ये ऑनगोइंग है, इसका लाभ उठा रहे हैं हमारे? बिल्कुल उठा रहे हैं, ये लाइव है, ये ऑनबोर्डेड है। 6 कम्युनिटीज माइनॉरिटीज में हैं, उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और बुद्धिस्ट, पारसी एंड जैन्स, ये 6 कम्युनिटीज माइनॉरिटी में हैं। तो इसमें फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है? बिल्कुल मिलती है। आप उनको दीजिए, अगर कोई चीज़ आप अगर आपने बनानी है, कोई सेंटर बनाना है
या कंप्यूटर सेंटर्स हैं, कुछ भी ऐसे बनाने हैं जी फॉर द सर्विस टू द कम्युनिटी, तो आप बना सकते हैं। आप फाइल दीजिए, ये हो जाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल एड मिलती है। सर, आज के यूथ को अपने पिताजी की जो सोच है, उस सोच के आधार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैंने पहले भी कहा है कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप जो हैं वो हमारे भगवान हैं, उनकी इज्जत करिए। और दूसरा, हम ये ना भूलें, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि हम महावीर को तो मानते हैं, महावीर की नहीं मानते, पर हम अगर महावीर की माननी शुरू कर दें, ये नहीं कि हम कहीं से पीछे रह रहे हैं, अगर हम एक्चुअल भगवान महावीर की मानना शुरू कर दें तो शायद हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं आएगा। बाकी कर्मों का है, कर्म तो अपने आप में भोगना ही है, बिल्कुल, पर बाकी हम जो और चीज़ों से बचे रहेंगे। तो बिल्कुल, यूथ हमारा आज का जो है बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत फास्ट है, क्योंकि आज के दिन बहुत सी ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि आपको आंसर एक मिनट में मिलता है। तो बेटर है कि हम उसको पॉजिटिवली लें, जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं उसको हम पॉजिटिवली उसमें से जो भी निकालें निकालें, नेगेटिवली ना। सर, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने समाज में आपने कार्य किया, तो मैं बस एक बड़ा ही शॉर्ट में पूछना चाहूँगा कि जैन समाज की क्या महत्वता है आज की यूथ लाइफ में? ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हमने जैन परिवार में जन्म लिया, बिल्कुल, पर उसको, उन प्रिंसिपल्स को हमने कैसे मेंटेन करना है, ये हमारे यूथ पे निर्भर करता है। हम अपने जो प्रिंसिपल्स बड़ों का दिखाए हुए राह को पे चलें, और अपने कुछ भी हो जाए, पैसा अपनी तरफ है, और हम अपने उस पैसे के लिए अपने प्रिंसिपल्स ना छोड़ें। मेरी तो सारे यूथ से यही एक मेरा एक एडवाइस है, प्रार्थना है कि हम अपनी सभ्यता को बचाएं, और अपने जो भगवान महावीर ने हमें दिए संदेश, उस पर चलते हुए अपने जीवन को भी सफल बनाएं। बिल्कुल, तो जैसा कि सर ने कहा कि हमें भगवान महावीर के पथ पर चलना चाहिए, भगवान महावीर ने जिस जो वाणी दी उनको फॉलो अगर हम कर लेंगे, तो इवन आई एम फॉलोइंग, मैं भी खुद भी फॉलो कर रहा हूँ। मैं सभी यूथ से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बारी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप एक बारी अडॉप्ट कीजिए उनकी पॉलिसीज, उनके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कीजिए। आज की आम जिंदगी में भी वो चीज़ें आपको बखूबी हेल्प करेंगी आपके ग्रोथ के लिए। तो अपने जैन समाज को ना भूलें, समाज भी उतना ही ज़रूरी है जितनी आज आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल स्पेस है, आपकी फैमिली जितनी ज़रूरी है उतना समाज भी ज़रूरी है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि समाज से ना पिछड़ें, समाज में आगे आएं और कार्य करते रहें। समाज से ही हमारे चरित्र और भविष्य का निर्माण होता है, तो बिल्कुल समाज भी उतना ही ज़रूरी है। तो ऐसे ही समाज के जो सुप्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के अंदर बड़े ही मिसालजनक कार्य किए हैं, तो उनके साथ हम आपकी लगातार कोशिश कर रहे हैं मुलाकात कराने के लिए, जिसमें से एक श्री हीरा लाल जी थे जो कि आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके बेटे श्री संजीव जैन जी ने हमें बखूबी उनका जीवन का परिचय जो है पूरा का पूरा हमें बड़े ही विस्तार पूर्वक बताया, और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर आपका एक बार फिर से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, और इतने इतना पेशेंटली इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।